सीरियल जीजाजी छत पर हैम इलायची की शादी होने वाली है और इससे बेचारा पंचम बड़ा दुखी है। चलिए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। हाँ, तो एक स्टोरी चल रही है जिसमें अभी हम वो राज बता नहीं सकते, क्योंकि वो राज अगर बता दिया तो आपको मजा नहीं आएगा। तो बेसिकली कोई राज है जो भी हो रहा है स्टोरी में, किसी कारणवश जो भी है, मुरारी जी ये बोलते हैं कि इलायची जी की शादी विजेंद्र से कर दी जाए, जो ये पूछता रहता ना, और इलायची कैसी है, जो बहुत मार खाता है शो में। तो फिर वो बैंड बाजा लेके अपना आ जाता है घर पे और आंगन में आके बोलता है कि मैं तो आ गया हूँ अपनी दुल्हन को लेने, ये वो। और बस ये देख के मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, मैं दो चार बातें सुनाता हूँ, उतने में सेठ जी आ जाते हैं और सेठ जी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो होगी, शादी हो के रहेगी। और इलायची जी भी कह रही है कि हाँ, आप करनी पड़ेगी, अगर आप पापा कह रहे हो तो करनी पड़ेगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मतलब शादी कहाँ से आ गई है सडनली बीच में। अब पंचम शादी को होने से कैसे रोकेगा, ये मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसे रोकेंगे। बस समझ नहीं आ रहा, कल शादी है, एक दिन रह गया है और सडनली ये भी डिसाइड हो गया कि कल ही शादी है, तो मेरे पास तो समय भी नहीं है कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, समझ नहीं आ रहा है। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि शायद ऐसा ना हो। वेल, ये तो जीजाजी छत पर है में बड़ा ही नाटक होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीजाजी छत पर है में इलायची की शादी क्या वाकई वीरेंद्र से होती है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।